हेलो एंड वेलकम बैक व्यूअर। इस समय आपने मुझे आई रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं कि ये हमारे नंबर 0.25 है, 0.50 है, तो क्या ये नंबर हट सकते हैं या नहीं। बहुत सारे लोगों ने अपनी अपनी रेमेडीज़ भी बताई हैं मुझे, कुछ ने अपने ड्रॉप्स बताए हैं, कुछ ने अपने और मैथड्स बताए हैं। बट अगर आपकी उम्र 18 साल से कम है तो सजेस्ट सिर्फ यही किया जाएगा कि आप आई एक्सरसाइज पर ध्यान दीजिए, साथ ही साथ जो भी गैजेट्स आप यूज़ कर रहे हैं उसमें एक नॉर्मल जो आइडियल डिस्टेंस होता है उसको मेंटेन रखिए। बट जिनकी उम्र 18 साल के ऊपर हो चुकी है तो उनके लिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं आई विजन को करेक्ट करने के। लेकिन अगर आपका ये क्वेश्चन है कि बिना किसी सर्जरी के, बिना किसी ऑपरेशन के, बिना लेज़र के ये सब ठीक हो जाएंगे नंबर, तो मैं समझता हूँ ये सवाल का आंसर थोड़ा सा मुश्किल होगा यहाँ पर। बिकॉज अगर मैं अपने हॉस्पिटल की बात करूँ या आप जहाँ पर जिन भी हॉस्पिटल्स में अब तक गए हैं दिखाने के लिए, मैंने खुद ये देखा है कि मेरे यहाँ जो सीनियर आई सर्जन है वो खुद चश्मा लगाते हैं, जो दूसरे सीनियर आई सर्जन है वो भी चश्मा लगाते हैं, जो रिफ्रैक्शन मैडम करती हैं वो भी चश्मा लगाती हैं, इवन जो एम्स में डॉक्टर्स हैं मैंने उनको चश्मा लगाते हुए देखा है। आप खुद अपने आसपास लोगों को चश्मा लगाए हुए देख सकते हैं। तो अगर आपका ये क्वेश्चन है कि ये लगा लूँ, ये डाल लूँ या फिर कुछ और यूज कर लूँ, ये रेमेडी ये खाऊं, तो इससे नंबर हट जाएंगे। तो अगर हट जाते तो फिर एम्स में जो लेजर की मशीन लगी है तो उनका फिर क्यों लगाने का इंस्टॉलेशन का वहां पर उद्देश्य होता। बिकॉज यही है ना कि अगर आंखों में नंबर आ गया है तो फिर वो हटता नहीं है। हाँ, उसे आई एक्सरसाइज से आप कम जरूर कर सकते हैं, थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट ला सकते हैं, तो वो तो पहले भी सबको सजेस्ट किया जाता है कि आप आई एक्सरसाइज पर ध्यान दीजिए। एम्स में कंट्यूरा विजन भी अवेलेबल है, उसके अलावा जो दूसरी मार्केट में जो टेक्निक है वो भी वहां पर अवेलेबल है, सस्ते में भी है, महंगे में भी है, जो सी आप कराना चाहें और उससे अपने विजन को ठीक करा सकते हैं। तो ये क्वेश्चन कि बिना किसी चीज के आंखें ठीक हो जाएंगी, तो ये इस तरीके के भ्रम में ना रहिए। जब आंखों में एक बार नंबर आ जाते हैं तो वो जल्दी हटते नहीं है, उनके लिए यही सोल्यूशन है कि अगर आप कुछ नहीं कराना चाहते तो चश्मा इज द बेस्ट ऑप्शन, जो सारे डॉक्टर्स भी यूज करते हैं। अगर उनको कोई बेस्ट ऑप्शन लगता, कोई ड्रॉप या कुछ और, तो वो भी तो उन चीजों को यूज करके अपनी आंखों को ठीक कर चुके होते हो, चश्मा यूज नहीं करते। बट रियलिटी यही है, सच्चाई यही है कि सभी चश्मा यूज करते हैं, या फिर जो चश्मा यूज नहीं करना चाहते हैं उनकी कोई अपना कंपल्शन है तो वो लेजर के ऑप्शन को अपना सकते हैं। कंक्लूजन यही है कि अगर आपकी उम्र 18 से कम है तो फिर 18 साल तक आपको कोई प्रोसीजर आंखों में नहीं कराना है, बस सिर्फ नॉर्मल अपने गैजेट्स को नॉर्मल डिस्टेंस से देखिए और पढ़िए, और आंखों में मूवमेंट को प्रॉपर मेंटेन रखिए, साथ ही साथ आई एक्सरसाइज को करिए जिस पर ऑलरेडी मैंने वीडियो बना रखा है। एक बार कोई भी ऑब्जेक्ट को लगातार ज्यादा देर तक मत देखिए, थोड़ी देर देखने के बाद 5 से 7 मिनट में आपको उसमें जरूर आंखों को इधर और इधर मूवमेंट देना चाहिए, जिससे कि आंखों का ब्लड सर्कुलेशन सही रहे। 18 के बाद की ऑप्शन तो आपको पता ही है, लेजर है, चश्मा है, जिससे कि आंखों के नंबर को ठीक किया जा सकता है। तो इसलिए 18 साल तक कोई प्रोसीजर नहीं होगा आंखों में, 18 के बाद ही इस बारे में सोचा जाएगा, और उसमें भी आंख की पहले जांच होगी कि कॉर्निया की क्या थिकनेस है, कॉर्निया कितना अच्छा है, कौन सा प्रोसीजर उस पर अच्छे से हो सकता है, तब उस पर डिसीजन लिया जाएगा। लेकिन उसके लिए भी भारत में जो 5 सबसे अच्छे संस्थान है, उसके मैंने नाम आपको ऑलरेडी पहले भी बताए थे, अभी भी स्क्रीन पर दिखा देता हूं, ये भारत में 5 जो टॉप मोस्ट इस समय अवेलेबल भारत के 5 आई सेंटर्स हैं, इन पे आप दिखा सकते हैं। इसके अलावा नजदीकी तो सब जगह अवेलेबल है डॉक्टर साहब, आप वहां पर भी अपनी आंखों को दिखा सकते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है, अब आप खुद समझ लीजिए कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है, कि मेरा 0.25 है या 0.50 है, क्या ये हटेगा या नहीं। फाइनली अपनी डाइट को मेंटेन रखिए, जिसमें विटामिन ए के कंटेंट को जरूर आप बढ़ाएं और अपनी आई एक्सरसाइज पर ध्यान दें। तो अगर आपकी उम्र 18 साल से कम है तो इंप्रूवमेंट आ सकता है, 18 साल से बाद है तो उसके लिए फिर आपको दूसरे ऑप्शंस को अपनाना है। वेल, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन कीप स्माइलिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।